रुद्रपुर में यहाँ पर आज कांग्रेस का जिला सम्मेलन संपन्न हुआ है और कांग्रेसी भीड़ देखकर बहुत गदगद हैं। आइए बात करते हैं सुनील जी से और देखते हैं यहाँ पे ये इतने कांग्रेसी जुटे हैं आज, तो विशेष क्या है यहाँ पे? आज जैसे जिला उधम सिंह नगर का सम्मेलन हो रहा है सिटी क्लब में, जितनी उम्मीद थी उससे ज़्यादा हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हुए हैं, जिनका हम सभी महानगर और जिला कांग्रेस कमेटी धन्यवाद करती है कि अधिक से अधिक आप संख्या में पहुंचे हैं। आज हम उसका मेन उद्देश्य था कि जितने भी कार्यकर्ता हैं सबको इकट्ठा करना है, जो भी इनके मन मुटाव हैं उनको दूर किया जाए और सब लोगों को एक और एक ऊर्जा बढ़ी है आने वाली लोकसभा और नगर निगम के जो चुनाव हैं उसके लिए तैयारी का है, एक ही बिगुल बजाय। ये क्या कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है? सम्मेलन है, सबको मिलके आज क्या करना है, आगे की रणनीति कैसे बनेगी उसको लेकर। तो अभी जो चुनाव में जो अभी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है उसके ऊपर आपका क्या नजरिया है कि इतनी संख्या के बावजूद जो लोग यहाँ पे आए हैं, इसके बावजूद अगर हार हो रही है तो कहाँ रणनीति में कमी रह जा रही है? हार और जीत तो एक अलग चीज़ है, जो हार हो रही है इसके पीछे कुछ ना कुछ बड़ा कारण है। सरकार का पक्ष है, सरकार अपनी तरफ भाव ज़्यादा करती है कुछ ना कुछ, क्योंकि इतने लोग हैं। मुझे नहीं लगता जिस देश में गरीब वर्ग परेशान है, मजदूर वर्ग परेशान है, व्यापारी वर्ग परेशान है, छात्र वर्ग परेशान है, कर्मचारी परेशान है, किसान परेशान है, हर वर्ग परेशान है। आपकी 2024 को लेके क्या तैयारी है? देखिए अब सब आज बिल्कुल बचाए उधम सिंह नगर से तैयारी करी है, जहां हमारे माननीय करण मेहरा जी, माननीय यशपाल आर्य जी सब लोग आए हैं, पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक, उधम सिंह नगर के जितने भी विधायक सब उपस्थित हुए हैं और आपको सर निर्देश देंगे, जैसा भी ये दिशा निर्देश देते हैं उसे तैयारी पे ठीक ठाक लोग आए हैं। इसको आप किस रूप में देखते हैं, क्या जनता कांग्रेस के साथ है? भारतीय जनता पार्टी के गलत नीतियों की वजह से आज महंगाई और भ्रष्टाचार इसके सब लोगों के अंदर गुस्सा है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में अंदर जोश है, उसी का परिणाम है जो आज इतने कार्यकर्ता इतने लोग इकट्ठे हुए हैं। इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए आने वाले जो 2024 है लोकसभा का इलेक्शन होना है, उस हिसाब से देखा जाए तो माहौल कांग्रेस के पक्ष में जा रहा है। लोग परेशान हैं, पूरे देश में यहाँ के लोग भी परेशान हैं, महंगाई से त्रस्त हैं, नौकरी है नहीं, ब्लैक मनी का पता नहीं है, खाली हिंदू मुस्लिम के अलावा तो कोई बात हो है ही नहीं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ सर्व समाज उपस्थित है, सब लोग चाह रहे हैं कि कांग्रेस मजबूती के साथ आए। 2024 के लिए क्या तैयारी है फिर? भाई मुझे हम लोग मुझे तो लगता है कि कांग्रेस आएगी इस लोकसभा में, तो आएगी। उसमें हमारे जिले के सारे विधायक, सारे प्रत्याशी रहे, जो हमारे PCC में सारे ब्लॉक अध्यक्ष और जिले के पदाधिकारी। पूर्व सभासद श्रीमती शीला कक्कड़ जी पहुंची हैं, आपका भी मंच के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। हाँ, हमारे बीच रुद्रपुर बाजार जिला वार्ड नंबर 7 से सुनील राठौर जी, गोपाल यादव जी, अमल साना जी, पंकज गंगवार जी। पूरे देश को इन्होंने दो भाग में बांट के रख दिया है, सिर्फ धर्म की राजनीति हो रही है, इसके अलावा हमारे देश में कुछ नहीं हो रहा। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेरोजगारी की बात नहीं करती, महंगाई की बात नहीं करती, सिर्फ जो धर्म पे नाम पे लोगों को कैसे बांटा जाए उसकी भी राजनीति हमारे देश में हो रही है। मैं अपने प्रदेश की बात नहीं करना चाहूंगा, जिस तरीके से अंकिता हत्याकांड हुआ, पेपर लीक मामला हुआ, ये सारे मामले में भावी जी चुप बैठे हुए। विकास के नाम पर हमारा प्रदेश बिल्कुल जीरो है। अभी परसों दरसों में टीवी पर देख रहा था कि बड़े बड़े लोग यहाँ पे आगे पैसे लगाएंगे, सब बेवकूफ बनाने वाला ये लोग काम कर रहे हैं। बेवकूफ बनाने के अलावा इसके अलावा कोई इनको कोई काम नहीं है। विकास कार्यकर्ताओं की भीड़ ने कांग्रेसियों को उत्साहित तो किया है, पर वास्तविकता तो चुनाव में ही पता चलेगी।